बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहेंगे 24x9 में। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी, और एक नई सुबह के साथ, ढेर सारी स्टोरीज़ के साथ। पॉलिटिकल अपडेट्स क्या हुई हैं, सोशल इम्पैक्ट्स क्या हुए हैं, सोशल स्टोरीज़ मेरी टीम ने क्या इकट्ठी की हैं, ये सब आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज़ पर नज़र डालते हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरीम नवाज आज गैर कानूनी अराजी केस में नैब के सामने पेश होंगी। जराए के मुताबिक मरीम नवाज के नैब के सामने पेशी का फैसला वकला, खानदान और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया गया। मरीम नवाज एक बड़े काफिले की सूरत में जाती उमरा रायवंड से नैब ऑफिस पहुंचेंगी। पाइपलाइन रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुलजमान पर फर्दर जुर्म आयद कर दी। तमाम मुलजमान ने सह जुर्म से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कराची शहर से तमाम साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म जारी कर दिया। शहर भर से बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटाने के तमाम इख्तियारात कमिश्नर कराची को। आज मुल्क भर में कौमी परचम का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का कौमी परचम मीरुद्दीन सुदवाई ने कायद आजम की हिदायत पर तैयार 47 कौमी परचम का दर्जा दिया गया। बारिश ने बुजार हुकूमत की नकासी आप के इंतजाम का पोल खोल दिया। मूसलाधार बारिश से लाहौर की सड़कें और गलियां डूब गईं, हर तरफ नहरें बहने लगी। लम्स यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म सादमीर ने GRI के मुतहियन में 340 में से 339 नंबर्स हासिल किए। पाकिस्तानी टीवी अदाकार ऐमन खान के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स। ऐमन खान इंस्टाग्राम पर 70 लाख फॉलोअर्स रखने वाली पहली अदाकारा बन गई। और बरतानिया में दफ्तर खारजा में चूहों का शिकार करने वाला बिल्ला अपने ओहदे से रिटायर हो गया। टॉप स्टोरीज आप में जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं, आज 11 अगस्त है, यानी कि आज मरीम नवाज गैर कानूनी अराजी केस में नैब अदालत में कुछ ही देर में पेश होंगी। नैब के बाहर की इस वक्त सूरत हाल का अगर जिक्र करें तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंचना शुरू होती है। उमरा के कौमी एहतसाब ब्यूरो के सामने आज मरीम नवाज सवालात के जवाब देंगी। मरीम नवाज रायवंड में जाती उमरा की रिहाइशगाह से लीगी रहनुमाओं में के साथ काफिले की सूरत में नैब के दफ्तर पहुंचेंगी। और इसके साथ साथ ये भी वाज़े रहे कि 200 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराने का इल्ज़ाम है, जिस पर मरीम नवाज को तलब किया गया है। नैब ने 3 दिनों में 3 बड़ी पेशियों की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज हैं। 12 अगस्त को उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तलब कर रखा है। और इसी के साथ साथ 13 अगस्त को तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत खोकर को भी तलब कर रखा है। अब ये देखना होगा कि मरीम नवाज किस तरह से नैब के सवालात का सामना करती हैं, और फिर इसके साथ साथ इससे कबल भी बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस का वो हिस्सा रही हैं, बहुत सी इंटेरोगेशंस उनसे होती रही हैं। और अभी ये बताया जा रहा है कि ये पार्टी मुशावरत के बाद डिसीजन लिया गया है कि मरीम नवाज जो हैं वो एक बड़े काफिले की सूरत में आज जाती उमरा से रायवंड पहुँचेंगी। मरीम नवाज ने नैब के सामने ये जो पेशी का फैसला किया है, अब इसमें ये देखना होगा कि किस तरीके से नैब जो है इस पर इन्वेस्टिगेट करता है, और फिर इस पूरे मामले पर मरीम नवाज के जवाब क्या होते हैं वो भी जाहिर है वाज़ेह हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी कहें कि मरीम नवाज के अलावा कल वज़ीर आला पंजाब को भी नैब ने तलब कर रखा है। नैब के हवाले से अगर जिक्र करें तो तफसीली फैसले में अदालत की तरफ से भी ये कहा गया कि ऐसा लगता है कि शायद नैब थोड़ी बाइसनेस का मुजाहरा करती है। लेकिन अभी जो पेशियां होने जा रही हैं अगले 3 दिन मुसलसल, आज मरीम नवाज, कल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, और परसों मलिक करामत खोकर जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, ऐसा लगता है कि अब शायद अक्रॉस द बोर्ड
कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं और हर एक को एक ही तरह से देखा जाएगा, हर केस को जो है वो हैंडल किया जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक हुकूमत से हो या ना हो। फिलहाल तो आज मरियम नवाज नैब जाएंगी और पार्टी की मकामी क़यादत भी वहाँ पर मौजूद होगी उनकी सपोर्ट के लिए। और ये जाहिर है एक पॉलिटिकल टैक्टिक भी होता है कि जब भी कोई लीडर पेश होता है, वो चाहे अदालत में पेश हो, नैब के सामने पेश हो, कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहाँ पहुँच जाती है ताकि एक पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो अपने लीडर को दी जा सके। और आज भी कुछ ऐसी ही एक्सपेक्टेड सिनेरियो देखने में आ रहा है ऐसा ही, जिसमें कारकुन तो पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मरियम नवाज़ जब रायवंड से रवाना होंगी तो भी काफिले की सूरत में होंगी। सलीम बुखारी साहब इस पर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, और उनसे हम जानेंगे कि वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई थी कुछ ऐसी कयास सराइयाँ भी हो रही थी कि शायद मरियम नवाज़ पेश ही ना हो, वो इस डिसीजन के ऊपर आए ही ना कि उन्हें नैब में जाना है और वो किसी और तरीके से इस मामले को टैकल करेंगे, लेकिन बहरहाल ये डिसीजन हो भी गया और आज वो नैब के सामने पेश भी होंगी। सलीम बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब आज मरियम नवाज़ गैर कानूनी अराजी केस में नैब के सामने पेश होंगी और फिर ये मुशावरत भी की गई कि एक काफिले की सूरत में वो जाएंगी और कारकुनान तो पहले ही नैब ऑफिस पहुँचना शुरू हो गए। देखिए ये एक सीरीज चल रही है, आपको भी पता है कि पीएमएलएन की लीडरशिप हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, नैब को इस्तेमाल करके उनके खिलाफ जिस किस्म की हरासमेंट जारी है इस पर बहुत रेते हो चुकी है। आपको पता है कि एक कंट्रोवर्सी हमेशा से मौजूद है कि इमरान खान साहब नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं इनके खिलाफ। अब ये नया सिलसिला शुरू हुआ है, आपको पता है काफ़ी देर तक खामोशी रही मरियम नवाज, जो बहुत तेज व तुंद किस्म के जलसे करती थी, बयान देती थी, ट्वीट्स देती थी, काफ़ी अच्छे से खामोश थी। इसी तरह से जो नवाज शरीफ साहब हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं, वो जिस तरीके से गए थे, जिन हालात में गए थे, वो भी आपके सामने हैं। तो कुछ हलकों का तो तासुर ये था कि शायद हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता निकलने वाला है और इसीलिए वो गुड कॉप बैड कॉप की जो गुफ्तगू थी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खास तौर से, कि कोई ना कोई डील तो खैर शायद बहुत हैवी लफज है, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, इसलिए ये खामोशी है। लेकिन अब ये नए सिलसिले से जो सिलसिला शुरू हुआ है इसने फिर इन सारी बातों को एक तरफ रख दिया और यूं लगता है कि वो सिलसिला जो है जो वन साइडेड सिर्फ चल रहा है, जिसको वन आइट जैक के तौर पे चेयरमैन नैब जो है वो चला रहे हैं, वो दोबारा सिलसिला शुरू हो गया है। अब आज देखते हैं क्या होता है। लगता तो यही है कि ये केस जो है बस सिर्फ थोड़ा सा हरासमेंट के लिए या उनको थोड़ा तंग करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये सारे बहुत पुराने केसेस हैं और इन पहले थे नहीं, अब बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है हुकूमत ये राग भी अलापती रहती है, हमने तो कोई केस बनाया नहीं है, तो सारे केसेस हैं। हालांकि 80% केसेस जो हैं वो तरीके इंसाफ की हुकूमत आने के बाद बनाए गए हैं अपोजिशन के खिलाफ, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो नून लीग है जी। तो आज ये अब जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, कोरोना भी है और उसके बावजूद जुलूस की सूरत में कारकुन भी वहां पहुंचे हैं, तो मेरे ख्याल से दूसरी तरफ से भी अब शायद रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी और वो जो अब तक अवॉइड हुआ था कोई क्लैश ना हो, कोई बदमजगी ना हो, वो सिलसिला दोबारा से पॉलिटिकल मैनूवरिंग का जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, पॉलिटिकल मैनूवरिंग तो होती है, लेकिन आप ये भी देखिए कि आज उन्होंने नैब में पेश होना था और आज ही के दिन 7 घंटे पहले उन्होंने अपनी ट्विटर पर पिक्चर चेंज की, एक पिक्चर जो है वो न्यू प्रोफाइल पिक्चर लगाई जिसमें मरियम नवाज एक डाइस के सामने खड़ी जैसे खिताब कर रही होती है। तो उससे कबल जो है वो काफी अरसा गायब रही, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी थी। तो क्या आप ये समझते हैं कि इसके बाद अब वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगी या वही हाइबरनेटिंग मोड ऑन रहेगा? मेरे ख्याल से हर चीज का ताल्लुक जो है वो लंदन से आने वाले इशारे के साथ मुंसलिक है और मैं ये समझता हूँ कि अब शायद नई जो गाइडलाइन कह लीजिए आपको या मैसेज कह लीजिए वहां से आया है वो ये कि थोड़ी बहुत जो रेजिस्टेंस है वो जरूर दिखाई जानी चाहिए। और ये आज का जो जलसा जुलूस कर दिए या जिस तरह का भी क्राउड वहां इकट्ठा हो रहा है वो उसी इशारे के साथ मुंसलिक है। कोई भी चीज नून लीग में खासतौर से मरियम नवाज के हवाले से ऐसी नहीं है जिसमें नवाज शरीफ साहब की मर्जी और उनकी स्वाबती शामिल ना हो। तो ये एक नया रूप कह लीजिए, नया रंग कह लीजिए, नया
लहजा कह लीजिए तैयार होने जा रहा है, और वो देखेंगे कि जब वो नैब से निकलेंगी या नैब में जाने लगेंगी तो जो गुफ्तगू वहाँ होगी मीडिया के साथ होगी या वो अपने वर्कर से खिताब करेंगी, आपको लगता है वो करेंगी? मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया है जी, तो वो और अभी चूंकि वो है भी बेल पर, वो गिरफ्तार तो है नहीं जी, तो मेरा ख्याल है ये कि शायद वहाँ पर वो अगर वर्कर से खिताब नहीं करेंगी तो मीडिया से जरूर बात करेंगी। ठीक, अच्छा बुखारी साहब, साथ ही ये भी कहिएगा कि कल वजीर आला पंजाब को भी तलब कर लिया है, और इस हवाले से भी अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि देखें जी, नैब तो हमारे अंडर नहीं है, बिला इम्तियाज कार्रवाइयां भी हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही हैं, तो वजीर आला पंजाब वहाँ वजीर आला की हैसियत से जाएंगे या सरदार उस्मान बुज़दार की हैसियत से जाएंगे? देखिए, वो जिस भी हैसियत में जाएं, फर्क इस बात से पड़ेगा कि उनके साथ सलूक क्या किया जाता है। लोगों को तो इंक्वायरी स्टेज के ऊपर उठा लिया गया, लोगों को तो डेढ़ डेढ़ साल जेलों में रखा गया। अब देखना यह है कि उनके साथ वहाँ क्या प्रोटोकॉल मिलता है, उनको नैब में क्या कहती है नैब उनसे, क्योंकि केस तो बहुत है मामूली नौयत का लेकिन है बहुत खौफनाक। इसलिए हम ये सुनते हैं कि जो डीजी एक्साइज थे उस वक्त के, उन्होंने तो ये बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है कि जी मैंने भी पैसे लिए थे और उन्होंने भी। अगर ये सूरत हाल है तो फिर उसके बाद तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, मैंने जैसा कहा कि कल क्या रवैया उनके साथ इख्तियार किया जाता है, वो बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल, क्योंकि अब तक सीमल आपको पता है कि हुकूमती नुमाइंदों को जब भी कभी बुलाया गया है उनके साथ क्या सलूक हुआ है। बाबर रहमान को ले लीजिए, वो साफ साफ करार दे दिए गए। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को जिनको भी उन्होंने बुलाया था उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को जेल नहीं भेजा गया। तो ये फर्क जो है अगर अब भी जारी रहता है तो फिर ये सियासी इंतकाम ही कहेंगे आप, इसको इंसाफ नहीं कहते। चलिए सनी बुखारी साहब, इस पर आमिर खाकवानी साहब क्या कहते हैं? सीनियर तजियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर खाकवानी साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, मरियम नवाज अभी कुछ देर में नैब ऑफिस पहुंच जाएंगी और कहा जा रहा है काफले की सूरत में पहुंचेंगी, आप पूछते हैं कैसा देखते हैं इस पेशे के हवाले से? अभी सलीम बुखारी साहब से भी बात हो रही थी, वो तो ये कह रहे थे कि अभी देखना होगा कि वो किस तरह से जवाब देती हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगी या अपने कारकुनों से बात करेंगी। देखिए, पिछले कुछ अरसे में जब से उनकी बेल हुई है हमने देखा है कि मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक मिस्टीरियस सी खामोशी नजर आई है। किसी भी मामले में उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, वो ट्वीट करने में आपको याद होगा कि वो बहुत ज्यादा ट्वीट करने में फेमस हो चुकी थी, कोई ट्वीट नहीं कर रही थी, किसी किस्म की हुकूमत पे तनकीद नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत से ऐसे मौके थे जहाँ पे कोई ना कोई स्टेटमेंट, बल्कि कोई सॉफ्ट सी स्टेटमेंट दिया सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। और ये समझा जा रहा था कि जो एक डील जिसके तहत मियां साहब भी गालबन बाहर गए हैं उसी के तहत थोड़ा सा ये खामोश है और उसके तहत ज्यादा कोई अग्रेसिव नहीं जा रही। मेरा ख्याल है आज भी जो पेशी के बाद जो मीडिया से ट्रैक होगी उसमें उनका रवैया इंपॉर्टेंट होगा कि अगर वो कोई अग्रेसिवली बात करती है, अगर वो अपने सफाई में बात करती हैं, अपने लिए आर्गुमेंट देती है, वो तो उनका हक है, वो तो यही यानी समझती हैं और वो मुमकिन है कि ऐसा हो कि उन पे इल्जाम गलत हो, लेकिन अगर वो हुकूमत पे क्रिटिसाइज करती हैं, कोई स्ट्रांगली कोई स्टेटमेंट देती हैं तो फिर उससे सिचुएशन डिफरेंट होगी। ये तो लगेगा कि जो जिस तरह की पहले एक डील सी थी या मुमकिन डील थी उसी का ही एक फॉलोअप चल रहा है। तो वो ये बात ठीक है, श्री बुखारी साहब ने ठीक कहा कि आज का जो है वो इसके बाद ये तय करेगा कि वो क्या आगे किस तरह चल रही है और किस मूड में है। बिल्कुल सही। पर और... ये कि एक पब्लिक के साथ अपने वर्कर्स के साथ आना वो नून लीग का एक स्टाइल है कि शो ऑफ पावर का, आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे करते रहे हैं और उनका एक खास एक मिजाज है नून लीग का कि वो एक अपनी स्ट्रेंथ शो करता है। आप खुद ही अभी बता रहे थे और हम सब भी देख रहे हैं कि मरियम नवाज काफी अरसे से अपने जो एक स्टाइल है उनका उसमें वापस नहीं आ रही, ना उस तरह से बात कर रही है, ना वो सामने है, ना मंजर आम पर आती है। इनफैक्ट लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी मरियम नवाज किधर गई, क्यों नहीं बोल रही, या उनकी इवन पार्टी के अंदर नून लीग के कारकुनों में भी तजब्जुब जो है वो पाया जाता है। अच्छा, अब इसके साथ ये भी कहिएगा कि ईद के बाद कुछ एक्सपेक्टेड एपीसी भी थी, बुखारी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है आमिर खाकवानी साहब वो दूसरी पॉलिसीज की तरफ जाना शुरू हो गई है, क्योंकि नून लीग की तरफ से कोई मजबूत रवैया नहीं देखने में आ रहा और ऐसा लग रहा है कि एपीसी ताखिर का शिकार हो जाएगी। तो ये जो अपोजिशन के पास एक राइट टाइम था, क्या आपको लग रहा है कि अपोजिशन उसको मिस कर रही है? देखिए, अपोजिशन की तरफ से ऐसे जारी तहरीक का तो कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। एपीसी होगी भी नहीं, पहले तो ये इम्कान है कि हो ना, डिले हो जाए, अगर हो भी तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि इन जमातों में
एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई कंसेंसस मौजूद नहीं है, ना पी एम एल एन चाह रही है और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है। हर एक के अपने अपने स्टेक्स हैं, अपने अपने मामलात हैं और अपने अपने कहना चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स डील्स इनकी हैं या एक मफामत के एक तासर देते हैं। पीपल्स पार्टी भी तासर देती है और यहाँ पी एम एल एन भी देती है, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊँ कि इतलात ये हैं कि इनके गिर्द घेरा थोड़ा सा तंग होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिर्द भी और पी एम एल एन के शायद कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो, क्योंकि नैब अपने केसेस को स्ट्रांगली परसू कर रही है। जब वो परसू करेगी तो उसमें जहर और गिरफ्तारियां भी होंगी और डेवलपमेंट भी होगी। तो शायद तो क्या ये गिरफ्तारियां हुकूमती साइड से भी हो सकती हैं खाकवानी साहब, क्योंकि उनके भी मेंबर्स को बुलाया तो जा रहा है फॉर इन्वेस्टिगेशन। कल वजीर आला पंजाब पेश होंगे सरदार उस्मान बुजार, परसों तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर को भी तलब किया हुआ है। तो अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाइयां होंगी ये या अपोजिशन के गिरदे सिर्फ घेरा तंग होगा? देखें हकीकत बारा ये तो एक सच है कि अक्रॉस द बोर्ड तो कार्रवाइयाँ उस तरह नहीं हो रही, लेकिन उसका तासर शायद देने की कोशिश के लिए इनको बुलाया गया। और ये वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि और हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, जिस जिस पे इल्जाम हों चाहे हुकूमती पार्टी के लोग हों चाहे अपोजिशन लोग हों, तो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा उनका है सिंध की पंजाब ने ये कहा है कि मैं पेश हूंगा तो ये अच्छा है, ये अच्छा ये होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन होता क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बुखारी साहब आप भी कहिएगा, अभी जैसे आमिर खाकवानी साहब बात कर रहे थे आपने सुना ही, इसी के साथ साथ कल एक और बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई कि पाक लेन के रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 13 मुलजमान पर फर्द जुर्मायत की गई। देखिए गुजारिश ये है कि साहब क्रॉस द बोर्ड होगा इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिस हिसाब के अदारे का चीफ ये कहता हो कि अगर मैं हुकूमत के लोगों पर हाथ डालूंगा या उनके साथियों पर तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी, जिस चीफ जो चीफ ये कहता हो कि अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर पर हाथ डालूंगा तो वो जेल में कलेप्स कर जाएंगे, ऐसे बंदे से ये तवक्को रखनी कि वो एक रास्ता बोर्ड इंसाफ करेंगे, मुझे तो खैर इसकी कभी ना पहले उम्मीद रही है ना अब उम्मीद है। सिर्फ अश्कशुल के लिए उनके 2-3 बंदों को समन जरूर करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ पहले क्या एक्शन हुए हैं, जिनके खिलाफ बाकायदा रेफरेंसेज हैं, जिनके खिलाफ बाकायदा केसेज हैं, वो आराम से बैठे हुए मिनिस्ट्रियों के मजे ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्रॉस द बोर्ड कॉन्सेप्ट मेरे नजदीक तो बिल्कुल बेमानी बात है। जहां तक पीपल्स पार्टी का तल्लक है वो मेरे ख्याल से एजिटेशन के मोड में है, सिर्फ नून लीग जो है उसकी तरफ से वो रिस्पॉन्स या वो कमिटमेंट जो है वो दिखाई नहीं देती, और वो जैसा मैंने कहा कि एक तासुर नहीं है बल्कि बहुत सी शवाहद ऐसे मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ साहब गालबन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, जिसके लिए ये पुरसरार किस्म की खामोशी इख्तियार की हुई थी नून लीग की लीडरशिप ने। लेकिन आज जैसा आप कह रही हैं और जैसा होने जा रहा है, अगर वो जुलूस के साथ नैब की तरफ जा रही हैं तो गालबन कोई ना कोई इशारा ऐसा लंदन से आया है कि एक नया मोड इख्तियार करने की कोशिश है। लेकिन आज के बाद फिर क्या होगा, मरियम क्या अपने ट्वीट का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगी, अपने सख्त तेज और तुंद बयानात जो हैं उसका सिलसिला शुरू करेंगी, वो बताएगा कि आने वाले दिनों में पीएमएलएन का रवैया क्या होने जा रहा है। बिल्कुल सही, लेकिन पीपल्स पार्टी का रवैया तो बुखारी साहब वाजह तौर पर नजर भी आ रहा है, और आमिर खाकवानी साहब जैसे अभी सलीम बुखारी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी थोड़ा करना चाह रही है, कुछ एक्शन करना चाह रही है, कुछ लेना चाह मतलब यू नो प्रोटेस्ट या जो भी उनकी स्ट्रेटजी होगी वो उसको परसू करना चाह रही है। अब आप देखिए कि कल जो फर्दे जुर्म आयद की गई जरदारी साहब पर, उसमें उन्हें वकील की सहूलत भी नहीं दी गई और उनके वकील भी मौजूद नहीं थे। अब किस चीज की जल्दी है या इस चीज को हम किस तरह से देखेंगे, आमिर खाकवानी साहब सवाल आपके लिए। जी देखिए साहब, केस में काफी आप ये तो बहरहाल कहेंगे, ये तो मानना चाहिए कि फर्दे जुर्म में कई महीनों की ताखीर हुई है, खासा पहले गुजर चुका था। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्यों ऑल आउट वार पे जाएगी। देखिए ये पॉलिटिक्स में आप जानती हैं कि ये स्ट्रेटजीज होती हैं, थोड़ा प्रेशर बिल्ड किया जाता है, अपने लिए कुछ रियायत दी जाती है, और अपने आप को अगर कमजोर शो किया जाए तो वो नुकसान का होता है, उनका खतरा होता है, तो अपने आप को एक ताकतवर पोजीशन बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर कुछ एहतजाज करेगी। लेकिन देखिए पीएमएलएन के पास तो कहीं पर कोई हुकूमत नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी की बात तो सिंध में हुकूमत है, तो अपने और वो उसको बहुत ही उनके लिए मुकदम है, बहुत ही अहम है। तो पीपल्स पार्टी के स्टेक्स पीएमएलएन की नस्बत काफी ज्यादा है। पीएमएलएन तो कहीं पर भी हुकूमत में नहीं, वो तो वैसे ही पंजाब में भी अपोजिशन में बैठी है, तो पीएस पार्टी अपनी तरफ से जरूर कुछ ना कुछ एहतजाज करेगी, कुछ थोड़ा बहुत शो ऑफ एक बार किया जाता है या कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें दिखाई दिया, ऑल आउट वार पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा काफी बोल रहे थे, शीरी रहमान ने भी ट्वीट किया,
जी खाकवानी साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या अपोजिशन का कि एक पुरजोर एहतजाजी तहरीक के लिए ये साल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये साल कोई बड़ी कोई मूवमेंट हम देख पाए। ये चीजें उस तरफ जाएंगी सही, लेकिन ये शायद अगले साल में जाके होगा कुछ होगा। लेकिन क्या अगले साल फायदा होगा कुछ भी करने का? पार्टी का भी मुझे नहीं लगता। आपको ऐसा नहीं लगता 2021 में अगर ये इस तरह से आपको कुछ एक्टिविटीज नजर आती हैं तो दैट वुड बी टू लेट? देखिए टू लेट तो कभी भी होगा, जिस तरह कहते हैं ना इट इज नेवर टू लेट। और मेरा ख्याल है अपोजिशन में कुछ जो दिमाग हैं कुछ लोग, खासतौर पर भी नवाज शरीफ साहब के बारे में, एक डील वगैरह के अलावा भी ये कहा जाता है, कुछ लोग समझदार लोग जो अपोजिशन में वही समझते हैं कि हुकूमत को जितना टाइम हुकूमत गुजार रही है तहरीक इंसाफ हुकूमत में है तो उसकी वीकनेसेस जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं। और आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से तो हुकूमत की बड़ा रिलीफ देने की पोजिशन वैसी भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है जितना वक्त गुजारती है इकतदार में उतना वो अनपॉपुलर होती है, और जब कोई पार्टी अनपॉपुलर होती है तो तब उसके और लोग भी उससे थोड़ा सा नाला होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं, तब वो एहतजाजी तहरीक के लिए बेहतर वक्त होता है। तो अगर वो 6 महीने बाद या साल बाद हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टू लेट होगा, बल्कि शायद वो मतलब टू सूटेबल टाइम होगा। सही है, आप बुखारी साहब से भी इसका जवाब ले लेते हैं। बुखारी साहब जाते जाते आप भी कहिएगा कि खाकवानी साहब कह रहे हैं कि इस साल चीजें उस तरफ नजर आएंगी कि प्रोटेस्ट होगा या सख्त स्टांस लेगी ऑपोजिशन, लेकिन होगा कुछ नहीं, शायद अगले साल हो जाए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको नहीं लगता अगला साल लेट हो जाएगा? मैं इत्तेफाक करता हूँ खाकवानी साहब से कि जब गवर्नमेंट अनपॉपुलर होती है तो ऑपोजिशन के पास बहुत यानी ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ अपोजिशन कुछ ना कुछ कर गुजरती है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी जरूर कहूंगा कि इससे ज्यादा अनपॉपुलर नहीं हो सकती है हुकूमत जितनी इस वक्त है ना। उन्होंने अपने नारे वादों दावों का कोई पास रखा है, महंगाई की सूरत ऐसी है कि अवाम तंग है। अगर तो ये तसव्वुर कर दिया जाए कि ये हुकूमत जो है को बहुत कामयाब हुकूमत है, इसने बड़े रिलीफ दिए हैं लोगों को, कमाल हो गया है, हर फ्रंट के ऊपर नाकामी उनके सामने खड़ी है, चाहे वो इंटरनेशनल अरीना है, आप देख लीजिए कश्मीर के हवाले से जो इसकी पॉलिसीज हैं उसके ऊपर लोगों का गहरत अमल है, महंगाई से बेरोजगारी से गैस की इन चीजों की कीमतों से जो कुछ सूरत हाल अवाम की है वो भी आपके सामने है। इसी किस्म का माहौल चाहिए होता है किसी भी अपोजिशन को एक्सप्लाइट करने के लिए। अब देखना यह है कि दोनों ही बड़ी पार्टियों की लीडरशिप जो है वो क्या फैसला करती है, क्योंकि ये भी इनके पास आखिरी चांस है, इसमें इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। जो मीटिंग यहाँ हुई थी फजल रहमान साहब की, बिलावल भुट्टो की और शहबाज शरीफ की, उसमें भी ये बात मेरे ख्याल से बड़े वादे तौर पर कही गई थी कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर ये खो दी गई। बट ये अपॉर्चुनिटी तभी फ्रूटफुल होगी बुखारी साहब और खाकवानी साहब, अगर ये आवाम की बात करेंगे जिन मसाइल का बुखारी साहब आप जिक्र कर रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के लिए मुआशी जबोहाली का शिकार हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो गए COVID-19 की वजह से या हुकूमती पॉलिसीज की वजह से, अगर अब इसको ऑपोजिशन टेकअप करके अपना स्टांस वाजे नहीं करती और आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती तो फिर ऑपोजिशन के लिए भी मुझे लगता है कि टफ टाइम जो है वो उस तरह से होगा कि आवाम उस पर भी एतमाद करना छोड़ देगी। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कराची शहर से तमाम साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म दे दिया जो खतरनाक हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में शहर में बिल बोर्ड्स गिरने से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई और ये समाअत आज से 2 रोज कबल पेश आने वाले वाकये की उस वीडियो के ऊपर थी जो एक शहरी जब गुजर रहा था सड़क से तेज तूफानी बारिश के दौरान एक बिल बोर्ड ऊपर से गिरा और वो शहरी शदीद जख्मी हो गया। अब इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजहार बरहमी भी किया है और ये भी कहा है कि माफिया हुकूमतों को पाल रही है, हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेंगी, अगर कुछ किया तो हुकूमतों का दाना पानी बंद हो जाएगा। कल मेयर कराची के से बात करते हुए भी उन्होंने सख्त सरजनिश का उनकी सरजनिश भी की और उनसे पूछा कि आप कब रिटायर हो रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को, और उस पर उन्होंने कहा कि कराची का ये हाल कर दिया। अब तमाम तर इख्तियारात कमिश्नर कराची को दे दिए गए हैं अदालत की जानिब से और आज भी इस केस बारे समाप्त होगी। साथ ही साथ कमिश्नर कराची को इख्तियारात देते हुए ये कहा गया कि तमाम बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स को हटा दिया जाए।
ये बिलबोर्ड्स और साइनबोर्ड्स लगे कैसे, किसकी इजाजत से लगे, किसकी हुकूमत, जिसकी तरफ अदालत ने भी कल रिमार्क्स देते हुए कहा कि फायदा उठा रही है और शहरियों की जानों के लिए खतरनाक ये बिलबोर्ड्स जो सड़कों पर लगाए गए हैं, असल में उसका जिम्मेदार है कौन, इस पर हम बात करेंगे। बिलाल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, जफर सोमरू उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जफर सोमरू। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन इन करने के लिए। कराची शहर को आप बड़े अरसे से देख रहे हैं, वहाँ के रिहायशी तो हैं लेकिन कवर भी कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट। आपने बहुत से पॉइंट्स पर देखा होगा जहाँ पर बिलबोर्ड्स नहीं होने चाहिए, जो लॉज हैं, बिल्डिंग बाय लॉज हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए हुए हैं, और जब हवाएं चलती हैं, तूफान आता है या बारिश आती है तो वो खतराए जान बन जाते हैं शहरियों के लिए, जिस पर कल खुद नोटिस केस की समाअत भी हुई, उस पर तो हम आएंगे। लेकिन पहले ये कहिएगा, कौन इजाजत देता है, कौन जिम्मेदार है इन बिलबोर्ड्स का जो लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, ये जो आपने बात की ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची में मुख्तलिफ जो है निजी जो प्रॉपर्टीज है या सरकारी इमारतों, उस पर जो है गैर कानूनी तौर पर साइन बोर्ड और बिल बोर्ड लगाए जाते हैं, उनसे जो कंपनी के लगाए जाते हैं उनसे माहाना और एक उसका जो ठीका होता है, उस हवाले से जो है 6 महीने का भी होता है, कभी किसी का 3 महीने का होता है, उस हवाले से उनसे पैसे लिए जाते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी कल समाप्त हुई थी और उस पर भरमी की थी अदालत ने, और ये कहा था कि ये इजाजत कौन देता है, जिस पर जो है वकीलों ने यह बताया कि जी जो बिल्डिंग होती है उनके जो मालिकान होते हैं वो उनको इजाजत देते हैं कि वहां पर साइन बोर्ड लगाए, क्योंकि साइन बोर्ड लगाना भी एक धंधा है और एक माफिया का काम है, और ये एक धंधा जिससे जो है मालिकान को पैसे मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो है बिल्डिंग के ऊपर छोटे टावर भी लगाए जाते हैं, वो जो है टावर जो कंपनी के लगे होते हैं, चाहे किसी भी कंपनी के लगे वो टावर हो, चाहे साइन बोर्ड हो या बिल बोर्ड हो, वो उन मालिकान को तमाम जो है हर महीने उनको रकम फराहम करते हैं, जो एक कमाई का जरिया है, जिससे जो मालकान जो है मना नहीं कर सकते, क्योंकि मालकान को पैसे मिलते हैं इसके, उनके बिल्डिंग में जो रायशी रहते हैं, जो किराए पे रहते हैं, वो तो उनको महाना कोई 15 से 20 हजार तो फराम करते होंगे, मगर जो साइन बोर्ड और जफर सोमरू, ये वही माफिया है जिसका जिक्र कल अदालत में भी हुआ। लेकिन ये कहिएगा कि फिर हुकूमत की रिट कहाँ है? ये सुई में धागा तो डाल नहीं रहे कि चोरी छुपे हो जाएगा, ये वो जायंट साइज बिल बोर्ड और होर्डिंग्स हैं जो नजर आती हैं वाजह तौर पर कि खिलाफ वर्जी हो रही है या गवर्नमेंट से इजाजत नहीं ली गई, तो क्या हुकूमत के रिट यहाँ पर बिल्कुल खत्म नहीं होती भी नजर आई फिर? जी बिल्कुल, यही तो मामला है कि अगर कोई हुकूमत हवाले से एक्शन लेती है तो मुख्तलिफ जो मालकान है, हमने भी देखा है, मैं बहसियत कोर्ट रिपोर्टर जो हूँ कराची में, 5-6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैंने भी देखा है कि कोई बिल्डिंग गिरती है उस पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या कोई और मका जो है इदारा उस पर एक्शन लेता है, तो उनके मालकान जो होते हैं वो मुख्तलिफ दरख्वास्त बनाकर अदालतों में आते हैं और उसके खिलाफ जो जो इदारा काम करता है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ लेते हैं, उनके खिलाफ तो इन अदालत की दरखास्त लगाते हैं। तो एक वाकया जिमखाना का भी है जहां पर गैर कानूनी तमीरात हो रही थी, उसको रोकने के लिए सिंधुकूबन ने काम किया, जिसके बाद जिमखाना इंतजाम ने सिंधाई कोर्ट से रिश्ते ले लिया और उनके खिलाफ तो इन अदालत की दरखास्त भी लगाई थी। ऐसे मामला होते हैं, मगर ये मैंने जैसे अर्ज किया कि ये एक माफिया है और तमाम तरह जो लोग हैं, चाहे वो जो प्राइवेट हो या उसके अलावा जो सरकारी लोग हो या जो इश्तेहार देने वाली कंपनी है, सारे लोग इसमें मिले हुए होते हैं, एक कमाई का जरिया है और लोग इसको कमाते हैं, वो बड़े बड़े वकील करके हाई कोर्ट में और दीगर कोर्ट में जो है इस सवाल में स्टे भी लेते हैं अगर हुकूमत इसके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो। अच्छा बिलाल, साथ में ये भी कहिएगा, कल समाअत के दौरान मुकम्मल इख्तियारात जो हैं वो कमिश्नर कराची के हवाले कर दिए गए हैं, मेयर कराची से लेकर अब कमिश्नर कराची को कहा गया है कि वो ये तमाम कार्रवाई करें, बिलबोर्ड्स उतारें और साइन बोर्ड्स उतारें। हमने कल बहुत कोशिश की कि हम राबता करें, सेक्रेटरी बल्दियात से भी कोशिश की, हमने वजीर बल्दियात को भी कॉन्टैक्ट किया, कमिश्नर कराची तो वैसे ही टाइम नहीं देते, बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन आप कहिएगा कि कितना डेडलाइन दी गई है, कितना टाइम दिया गया है ये बिलबोर्ड्स हटाने के लिए और इसकी अगली समाअत कब होगी? जी बिल्कुल, ये जो 3 रोज की समाअत है, कल पहला रोज था, दूसरा कल तीसरा रोज है, मगर जो है इन 3 दिनों में जो कमिश्नर कराची को रिपोर्ट नहीं देनी, कमिश्नर कराची को ये कहा गया है कि आप पूरे शहर का जायजा लें, तमाम तरह जो सरकारी जो प्रॉपर्टीज है या निजी प्रॉपर्टीज है जहां पर बिल बोर्ड और बड़े बड़े बिल बोर्ड और साइन बोर्ड लगाए गए हैं, उनका जायजा लें कि कौन सी खतरनाक इमारतें हैं और कौन से खतरनाक साइन बोर्ड है जो जो है गिर सकते हैं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किल का सामना हो सकता है। टाइम फ्रेम कोई दिया गया है हटाने के लिए?
अभी तक जो है इनको कोई हतमी डेट नहीं दी गई, आइंदा जो शेड्यूल जारी होगा सुप्रीम कोर्ट का ये दो दिन की समाप्त के बाद एक मरतबा फिर जो जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठेगी कराची रजिस्ट्री में, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइंदा जो शेड्यूल होगा उस पर जो है कमिश्नर कराची को कहा है कि आपको हम फुल इख्तियार देते हैं कि आप जायजा लें और गैर कानूनी जो साइन बोर्ड और बिल बोर्ड लगे गए हैं उसको फौरी तौर पर खत्म करा के आइंदा जो शेड्यूल जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का उसमें मुकम्मल तौर पर जो है रिपोर्ट पेश की जाए कि आपने कौन से एरिया का जायजा लिया और कौन कौन से बिल बोर्ड हटाए। उसके अलावा उसके आदाब ने यह भी कहा है कि आपको हम फुल अख्तियार देते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं, आप अपने हिसाब से। अच्छा जफर, साथ ही ये भी कहिएगा कि अब बारिशों का एक नया स्पेल जो कहा जा रहा है कराची में दाखिल हो रहा है और इसके हो भी चुका है, बारिशें हो भी रही हैं, सफाई सुथराई की अब सूरत हाल क्या है, क्या कंपैरेटिवली कुछ बेहतर नजर आया जो नालों को सफाई की गई है और बाकी दीगर इलाकों को क्लियर किया गया है? जी ये पांचवा स्पेल जो है एक से दो दिन में कराची में दाखिल हो जाएगा और ये कहा जा रहा है कि ये स्पेल है बनस्पत जो चार स्पेल गुजर गए उससे ज्यादा मजबूत और खतरनाक है। मगर जो सफाई का देखें तो जो शहरी हुकूमत है उसने अभी तक कोई भी सवाल से कोई अमल नहीं किया। अभी भी जो है मैंने खुद देखा, आज मेरे घर से निकल रहा था तो कई मोहबाद के पुल के नीचे अभी तक जो पांच दिन पहले बारिश हुई थी उसका पानी अभी तक जमा है, तो शहरी हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, जिसपे जो कल चीफ जस्टिस ने भी भरमी का इजहार किया था और जो कमरे दाद ने मेयर कराची मौजूद थे उनसे कहा कि कहाँ है मेयर कराची। जब मेयर कराची अपने निशस्त पे खड़े हुए तो अदाब ने सख्त बरनी का इजहार किया और गुस्से का इजहार किया और ये कहा कि भाई आप जान छोड़ दो, अब शहर की आप कब रिटायर होंगे। जिस पर जो है अदाब ने अदाब को मेयर ने बताया कि 28 अगस्त को जो है तमाम तर मुद्दत खत्म होगी, जिस पर अदाब ने कहा कि भाई अब जान छोड़ दो शहर की, आपने शहर का बुरा हाल कर दिया। जो मेयर आता है जो भी लोग आते हैं वो अपने हिस्से की बाजी भर के ले जाते हैं मगर कराची के लिए कोई काम नहीं करता। कहीं भी बारिश होती है तो साइन बोर्ड गिर जाते हैं, बिल बोर्ड गिर जाते हैं लोगों के ऊपर, पानी लोगों के घरों में जमा हो जाता है। कराची के हवाले से कोई काम नहीं होता। तमाम तरह जो मेयर आए अभी इसके हवाले से जो अब तक मसला कहाँ देखते हैं आप देखिए कि पांचवा स्पेल ये बारिश का दाखिल होने जा रहा है और प्रेडिक्शन भी है कि ये खतरनाक होगा, मजीद बारिशें होंगी। सफाई का सिलसिला एनडीएमए ने जो अपनी जिम्मेदारी ली थी वो तो हमने दिखाया, बड़े जबरदस्त तरीके से तीन दिन के अंदर मेजर नालों को साफ किया गया और हमने बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स भी देखी थी कि किस तरह से वो क्लियर हुआ, लेकिन जाहिर है रिहायशी इलाकों में अभी भी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। मसला कहाँ है? ओनरशिप नहीं लेता कोई कराची की? अब भी पता है कि फिफ्थ स्पेल आ रहा है लेकिन उससे पहले कोई, आपने जैसे कहा कि कोई गवर्नमेंट कराची की जो है वो इसको सीरियस नहीं ले रही है, नजर नहीं आ रही है, साफ सुथराई के हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही कि टेम्परेली ही लेकिन ये अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल किया जा सके। आज बिल्कुल मसला तो ये यही नजर आ रहा है कि रहायशी जो इलाके हैं तो ये तो शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रहायशी इलाकों को मुकम्मल तौर पर साफ करे। कल भी अदालत ने ये कहा था कि अगर मेयर कराची सिर्फ अख्तियारात का रोना रोता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, मगर जब मीडिया टाक करता हुआ बाहर मीडिया टाक की मेयर कराची ने तो ये कहा कि मेरा इस्तीफा देना ही मसले का हल नहीं और इसके अलावा जो है जो मेरे पास अख्तियारात है उससे हवाले से काम करता हूँ। जबकि सिंध हुकूमत कहती है कि हमने मेयर को पैसे भी फराम करते हैं और फंड जो होते हैं वो भी फराम करते हैं। मेयर साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। हाँ बिल्कुल यही बात, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि मेयर को अगर इख्तियार नहीं है तो मेयर इस्तीफा दे रहे, तो उसके बाद जो है तो अदालत के बाद जो मीडिया टाक की तो मुस्लिम हुसैन ने यह कहा कि मेयर इस्तीफा देने से ये कराची का मसला हल नहीं होगा। मगर मसला यही है कि मेयर कराची पूछ ले तो आज 11 अगस्त से 28 अगस्त को वैसे ही मेयर रिटायर भी हो रहे हैं, उनका वक्त भी खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है उनका, तो अब इतने से दिनों के लिए इस्तीफा देने से तो वो वाकई सही कह रहे हैं कि बस जो है वो मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि कौन ऑनरशिप लेता है, किस तरह कराची की सिचुएशन बेहतर होती है, क्योंकि वो बेचारे वैसे ही पिसते चले जा रहे हैं, वो चाहे अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हो, कूड़ा करकट की सूरत में हो, कि इलेक्ट्रिक जिस तरह से बिजली की बंदिश करता है या बिजली चली जाती है उसकी मद में हो। इसी के साथ मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ, कुछ मजीद खबरें भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, ब्रेक के बाद आएंगे।
वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब बात कर लेते हैं मुल्क भर के मौसम के हवाले से। कराची में तो जैसे आपको अपडेट किया कि फिफ्थ स्पेल बारिशों का दाखिल होने जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि पहले चार स्पेल से ज़्यादा हैवी होगा, जिसके लिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी है। वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब और लाहौर की, कल जो बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई जी, मैक्सिमम बारिश जो है वो 107 मिलीमीटर ताजपुरा हुई और 52 mm गुलबर्ग में हुई। लेकिन उसके बाद जो सड़कों की सूरत हाल थी वो हम सबके सामने आए, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामूलात हैं वो मुतासर हुए, सड़कें ज़ेरे आब भी आई और बाद सड़कें तो लिटरली नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। इस हवाले से एक पैकेज है, पहले आपको वो दिखाते हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया, बादल जमकर बरसे तो नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। एयरपोर्ट, डेविस रोड, वॉल्टन, गुलशन रावी, राजगढ़, गढ़ीशाहू, मजंग टाउनशिप, भाटी चौक और बागबानपुरा समेत दीगर मकामात नदी नालों में तब्दील हो गए। मूसलाधार बारिश ने बुज़ार हुकूमत की नकासियात के इंतजामात का पोल खोल दिया। अंडरपासेज और दीगर मकामात पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। हर तरफ पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। बारिश से धर्मपुरा रेलवे पुल के नीचे कई कई फीट पानी जमा हो गया। कोट लखपत रेलवे स्टेशन और पटड़ियां पानी में डूब गईं। नकासी आब ना होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। बादल बरस से ही लेस्को का सिस्टम बैठ गया। बेशतर इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा दो रोज तक जारी रहेगा। अच्छा, इस पैकेज को देखने के बाद मुझे एक्चुअली एक बात रियलाइज हुई कि शायद बारिश और लेस्को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बारिश होती है, लेस्को का सिस्टम तो वैसे ही बैठ जाता है, फीडर स्ट्रिप हो जाते हैं, बिजली गायब हो जाती है। फिर जो असल जिम्मेदारी आती है, चूंकि पानी जमा हो जाता है, अर्बन फ्लडिंग जिसको कहा जाता है या सड़कें ज़ेरे आब आ जाती हैं, वो जिम्मेदारी आती है वासा डिपार्टमेंट की। और ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसके लिए पिछले 6 महीने से तैयारी और प्लानिंग का फेज शुरू हो चुका होता है कि पता है मॉनसून आना है, बारिशें होनी है, उससे निमटना कैसे है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये तमाम प्लानिंग फेज जो है वो वासा के जुम्मे आता है। अब वासा ने कल क्या किया, क्या कारकर्दगी रही उनकी, और फिर लोग जो मुतासर हुए, जाहिर है आपने देखा, मैं किसी और की बात क्या करूँ, मैं खुद पानी में फंस गई थी, बहुत मुश्किल से ऑफिस पहुंची, गाड़ी के अंदर भी पानी आ गया था, विच वॉज अनदर हेडेक कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। बट देखे ना आप, जो लोग मोटरसाइकिलों पर सफर कर रहे हैं, साइकिलों पर सफर कर रहे हैं, रिक्शों पर सफर कर रहे हैं, उनके लिए ये बारिश जो है वो खासी जहमत रही। इस पर हम बात करेंगे। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल चाल है? शेख साहब, आपको पता है कि 24 न्यूज कभी भी बेजा तनकीद नहीं करता और कभी भी फैक्ट से मुनहरफ नहीं होता। आपने एक प्लान जो इंट्रोड्यूस कराया था वाटर रिजर्वायर्स का, आपको याद होगा हमने स्पेशल उस पर एक सेगमेंट किया, वी अप्रिशिएटेड कि ये प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो आने वाले सालों में जो 22 पॉइंट्स आप जिक्र करते हैं कि वो एक्टिव होंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम होगा, पायलट प्रोजेक्ट तो रख दिया, लेकिन अब अभी राइट नाउ कल जो सूरत हाल रही लाहौर की, बड़ी अफसोसपूर्ण थी कि मतलब सड़कें ज़ेरे आब आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आप अगर कहें कि पाउंडिंग नहीं होनी चाहिए तो ये तो एक बिल्कुल अजीब सी बात है, क्योंकि मूनसून एक बारिशों का इतना वो क्या कहते हैं कि तूफानों का एक दौर होता है जिसमें 100 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर कुछ ही देर में बारिश हो जाती है। सही, बिल्कुल। कल जो बारिश शुरू हुई है वो सुबह 5:45 पे शुरू हुई है और तकरीबन 10 बजे जो है उसका वो आखिरी जो है वो हुआ, तो इतनी देर में आपने खुद बताया कि 107 मिलीमीटर मैक्सिमम और 52 मिलीमीटर मिनिमम बारिश हुई जी। तो वो पॉन्डिंग तो होनी थी, क्योंकि हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो 25 मिलीमीटर पर डिज़ाइन है लाहौर का, जो रेगुलर डेज के लिए है। मूनसून के लिए स्पेशल को डिज़ाइन नहीं है, मूनसून के लिए हमारी हुकूमत पहली दफ़ा जो है इसको डिज़ाइन कर रही है, वो भी रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, अंडरग्राउंड टनल बोरिंग जो है वो उसका मंसूबा आ रहा है। इससे पहले तो मूनसून के बारे में सोचा ही नहीं जाता था, ये पानी जो है बहुत कीमती पानी है,
और इसको सेव करने के लिए जो है वो इकदाम जो हमारी हुकूमत ने जो है वो शुरू किए हैं। और आप खुद देखें कि ये बात जो मियार को परखना है ना जी। उसका ये है कि पानी निकला या नहीं निकला। जैसे आप कराची में देखते हैं और पानी जो है तीसरे दिन चौथे दिन भी वहीं पे कश्तियां ले के लोग वो, कल आप देखें तो तमाम मेजर रोड पे जो पॉन्डिंग हुई, पॉन्डिंग रिपोर्ट हमारी जब बारिश खत्म होती है उसी वक्त आ जाती है कि ये इलाके पे यहाँ यहाँ इतनी इतनी पॉन्डिंग हुई। और मीडिया भी बाहर निकल के वो सारा दिखाता। मैं खुद जो सेफ सिटी के कैमरे पे पहुंच गया था जब सुबह बारिश हुई थी और पूरा लाहौर, वाकई आपकी बात सही है कि वो नजर आ रहा था कि पॉन्डिंग हो रही है। स्टैंडर्ड क्यों रख दिया जाता है कि मेजर रोड्स को क्लियर कर दें तो शायद पॉन्डिंग खत्म हो गई। आपने कराची का जिक्र किया, आज 24 घंटों बाद भी ज्यादा दूर नहीं जाती, हमारे दफ्तर के पास ही ये जो रेलवे ट्रैक है जो कोट लखपत से पूरा रेलवे स्टेशन गुजरा है वो भी पानी में डूबा हुआ है। कहीं आप अंदरून शहर में चले जाएं वहां पर भी पानी अभी भी आपको नजर आएगा। तो मेजर रोड्स ही क्यों फोकस की जाती हैं? ऐसी बात नहीं है, सबसे पहले मेजर रोड्स फोकस की जाती है क्योंकि उस पर हमारा ट्रैफिक का फ्लो जो है ज्यादा होता है। जैसे आपका भी मेजर रोड पे हर चीज मेजर रोड पे जो है लोगों ने अपने कामों पे जाना होता है वो मेजर रोड यूज करते हैं। सबसे पहला फोकस जो होता है वो मेजर रोड्स पे होता है। वो हमारे 36 पॉइंट जब हमारी हुकूमत आई थी तो लाहौर के 36 पॉइंट ऐसे थे कि जहाँ पे दरिया बन जाता था, जो कम होके जो है वो 22 रह गए हैं। 22 में भी हमने जो है एक रिजर्वायर बना दिया है लॉरेंस रोड पे जो फंक्शनल है जो आपने देखा कि वहाँ पे दरिया का मंजर होता था, पानी नहीं होता बल्कि पानी सेव होता है और हार्टिकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ भी हो रहा है। वो गाड़ियाँ आती हैं, हमारी अपनी गाड़ियाँ वासा की जो जेटर मशीन्स हैं वो भी वहीं से होती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि कराची का और यहाँ का मुकाबला करना एक ज्यादती होगी क्योंकि कल 4 घंटे में तमाम मेजर रोड क्लियर थे और 7 घंटे में पूरा लाहौर क्लियर था। अभी भी लाहौर क्लियर नहीं है। मैं आपकी पहली बात से मुत्तफिक हो सकती हूँ लेकिन दूसरी बात मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि अभी भी लाहौर क्लियर नहीं है और वाटर पॉन्डिंग की मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत आ रही है। देखिए, एक होता है सीवरेज के रिलेटेड पॉन्डिंग, सीवरेज के अंदर जो पानी, एक होता है कि एक सड़क है वही थोड़ी सी गलत बनी हुई है और वो वहाँ पे स्लोप है और वहाँ पे सीवरेज सिस्टम सही तरह नहीं है। माजी में होता ये रहा है जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा है कि सड़कें बनाते रहे हैं, हम सीवरेज का ख्याल नहीं रखते रहे। हमारी दौर में भी ये करने की कोशिश की गई है कि वहाँ पे सड़क अनाउंस हो गई है, वो सड़क बननी शुरू हो गई है, हमें जब हमें पता लग रहा हमने रुकवाया। डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं होती, बेसिकली वासा को ऑन बोर्ड नहीं लिया जी। ये पहली दफा हुआ हमारी लाहौर की जो LDA की गवर्निंग बॉडी है वो उसने पहली दफा कोई भी रोड बनेगी उसमें वासा को पहली दफा ऑन बोर्ड लिया जाएगा। वासा तय करेगा कि स्लोप जरूरी भी है सर, बिल्कुल वासा तय करेगा, वासा तय करेगा स्लोप किस तरफ होनी चाहिए, वासा तय करेगा कि अब ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं, पिछले दौर में जितनी ग्रीन बेल्ट आप देखे वो सड़क से ऊंची बनी हुई है जो कि अनफॉर्चुनेट है। और जब मैंने बात की PHA वालों से कि लाहौर की तमाम जो ग्रीन बेल्ट है वो नीचे की जाए तो जो तहकीक से पता चला कि वो मिट्टी में करप्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो उसको ऊंचा कर दिया गया। दुनिया में कहीं भी ग्रीन बेल्ट जो होती है वो ऊंची नहीं होती, हमारा एक्वाफायर जो है वो नीचे इसी वजह से जा रहा है कि जालियत की वजह से ग्रीन बेल्ट को ऊंचा किया गया। अब तो गवर्नमेंट ने प्लान बना लिया, लेकिन आप मुझे ये कहिएगा कि आपने कहा कि वाटर पॉन्डिंग एक्सपेक्ट ना करें तो ये ज्यादती होगी क्योंकि बारिश अगर हो रही है तो वाटर पॉन्डिंग तो होगी, लेकिन ये जो 36 से आप 22 पॉइंट्स पर आ गए हैं, उन 22 पॉइंट्स पर ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की जाती कि इवन बारिश के दौरान भी मशीनरी वहां मौजूद हो और पानी को कम किया जाता रहे, पंप्स लगाए जा सकें या कुछ ऐसी मशीनरी जो वासा के पास ऑब्वियसली मौजूद है, उससे शहरियों का जो 7-8 घंटे का जो ट्रैवलिंग टाइम है या जो 7-8 घंटे बारिश हो रही है या पानी रुका हुआ है वो भी कम हो जाए, मतलब उस तरह से भी फैसिलिटेट नहीं, उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता क्योंकि जो हमारे सीवरेज सिस्टम बना हुआ है आखिर पानी तो उसी में फेंकना है ना हमने, अगर कोई ड्रेन बना है तो पानी उसमें फेंकना है, अगर उस ड्रेन की कैपेसिटी उतनी है तो वो खुद कह रहे हैं कि रिजर्वायर्स भी हैं, टैंक्स भी हैं, नहीं रिजर्वायर तो पानी वहां ट्रैवल भी तो किया जा सकता है। नहीं नहीं रिजर्वायर जो है अभी एक लॉरेंस पे बना है, अभी हमारे 21 और डिजाइन है, 2 हमारे और अप्रूव कर दिए हैं हमारे लाहौर की जो है LDA गवर्निंग बॉडी ने, एक राजपुरा में
है और एक शेरावाला गेट में जी। तो अब ये मुख्तलिफ मकामात पर इस मकामात पर बनेंगे तो फिर वो पानी ले जाने की जगह जो है वो एक्स्ट्रा क्रिएट होगी और वो पानी सिर्फ और सिर्फ जो होगा स्टॉर्म वाटर का होगा, वो स्टॉर्म वाटर सीवरेज में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर सीवरेज की कैपेसिटी जो है ना। अच्छा, आप मुझे ये कहिएगा कि कुछ पॉइंट्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, कुछ जगह बहुत इमरजेंसी सेंसिटिव होती हैं कि जिनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी सूरत भी वहाँ या पानी खड़ा हो या वहाँ पर लिमिटेड हो जाए, उनमें से एक टॉप हॉस्पिटल्स हैं। अब ये जो मनाजर आपको हम दिखा रहे हैं ये हॉस्पिटल के मनाजर हैं। आप जनरल हॉस्पिटल का हाल देख लें, किस कदर बुरे तरीके से वहाँ पानी खड़ा हो गया, किसी को कोई अगर इमरजेंसी है या किसी ने वहाँ पर जाना है तो जाहिर है मुश्किल तो हुई। ऐसे में इन चीज़ों को ऑन टॉप प्लानिंग में क्यों नहीं शामिल किया जी? बिल्कुल, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है जो कल हॉस्पिटल में हुआ और वॉल्टन रोड भी कल एक हमें सबसे ज़्यादा जो वहाँ से लोगों की कॉलें आती नहीं। वॉल्टन रोड तो सर अभी कल तो बड़ी मैक्सिमम बारिश हुई, थोड़ी सी भी बारिश हुई क्योंकि मेरा रूट है और उसके साथ आप वॉल्टन रोड से बैक साइड पर आप डिफेंस साइट पर भी चले जाएं, डबल एक्स ब्लॉक पूरे का पूरा डूबा हुआ था। अब ये इसीलिए मैं, आपने भी इसको एलैबोरेट कर दिया, ये बहुत शुक्रिया आपका। ये जो जनरल हॉस्पिटल है इससे बाहर हमारी ड्यूटी है, जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो है जैसे घर के अंदर। सर ये क्या बात है? ये क्या बात है कि इतना एरिया मेरा है और इससे आगे जो एक छोटा सा तीन कनाल चार कनाल पांच कनाल का एरिया है वो मेरा नहीं। मेरी बात आपका घर है ना, करनी है अभी आपको कहते हैं कि आपका मजबूर है आवाम की खिदमत करना। मेरी बात अगर आप मुकम्मल होने दें तो फिर जरूर, आपका घर है ना, घर के अंदर वासा नहीं करता। इस तरह ही जो ये एक अदारा है इसके अंदर वासा नहीं करता, लेकिन अगर हमें रिक्वेस्ट की जाए तो हम प्रोवाइड कर देते हैं कि हमें रिक्वेस्ट घर के बाहर सड़कों पे 6-6 फुट पानी हो और वासा ये कहे कि घर के अंदर पानी चला गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। जनरल हॉस्पिटल देखिए स्लोप है ना, नहीं, हम सब देखते हैं स्लोप भी तो है ना। जनरल हॉस्पिटल का अंदर के जो इंटरनल सीवरेज है उसका फेलियर हुआ है, एक्सटर्नल पानी नहीं खड़ा था, ठीक है, बाहर के एंट्री पे पानी नहीं आता। वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको चाहिए था साफ करवाते, अगर वो कहते हमें कि आके कर दें मानसून से पहले तो हम जरूर कर देते। अगली दफा हम तमाम हॉस्पिटल्स को ये करेंगे कि अगर वो नहीं करवा सकते तो हमें हुक्म करें। और दूसरा वाल्टन वाला, वाल्टन बोर्ड जो है वो कैंट के अंदर आता है, वहाँ पे हमें वासा को काम करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन लोग चूंकि वासा पानी से रिलेटेड है सबको कहते हैं तो बेचारे वो हमें कॉल करते हैं, क्योंकि हम मैंने खुद वाल्टन बोर्ड में कॉल करके उनको ऑफर की कि जी जनाब हम आपके जो नाले हैं वो गंदे नजर आ रहे हैं, हम साफ कर देते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमारे अपने ठेकेदार हैं, हम उनसे करवाते हैं। सही, अभी फ्यूचर प्लान क्या है इन शॉर्ट बताइएगा? अब आगे भी बारिशों का स्पेल दाखिल हो रहा है तो क्या कुछ बेहतरी नजर आएगी हालात में या वाटर पॉन्डिंग ऐसे ही रहे? देखे ये 100 मिलीमीटर में कल जो लाहौर में परफॉर्म किया है, आप दूसरे सिटीज को भी देख लें, मैं कहता हूँ कि ये एक ज्यादती होगी, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं ना कि ये मानसून कल था या 100 मिलीमीटर बाद, इसकी तैयारी जो है वो अप्रैल से शुरू हुई। बिल्कुल, जैसे मैंने और बोला अप्रैल से पहले सीवरेज सिस्टम क्लीन होता है, फिर हमारे जो नाले तो यानी कि आप कह रहे हैं कि वाटर पॉन्डिंग तो होगी लेकिन मिनिमम टाइम में हम उसको कोशिश करेंगे कि क्लियर कर लें। अगर हमारी कैपेसिटी से ज्यादा होगी तो फिर बॉन्डिंग हम निकालने की। बिल्कुल सही, शेख साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन इसी के तहत एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन आज के दिन की तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंस है, 11 अगस्त 1947 का अगर हम जिक्र करें, 3 दिन पहले पाकिस्तान बनने से पाकिस्तान का कौमी परचम डिज़ाइन किया गया कायदे आज़म की हिदायत के ऊपर, और इस कौमी परचम की एक्सप्लेनेशंस जो है फिर वो सामने आई कि क्यों इसमें दो रंग रखे गए, क्यों इसमें चांद सितारा बनाया गया, और फिर इस मकाम पर इस मौका पर कायदे आज़म ने जो कौम से और पूरी मुस्लिम उम्मा से जो पाकिस्तान आ रही थी या पाकिस्तान आ जाना था जिनको वो मुसलमान, उनसे खिताब किया, बड़ी इंपॉर्टेंट है उस स्पीच की, पहले आपको उसका एक चंक सुनवाते हैं। सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए, इस मम्लिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब जात या अकीदे से हो,
مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے, مذہبی معنوں میں نہیں, کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے, بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے. یہ وہ سپیچ ہے جو جب قائد اعظم نے کی تو اس کا بڑا تہلکا بھی مچا, بہت اپریسیشن بھی ملی. پھر قائد اعظم کے 14 نکات کا بھی ذکر کریں تو اقلیتوں کے حوالے سے خصوصی طور پر ایک الگ پوائنٹ اس کے اندر مینشن تھا. آج پاکستان بھر میں اقلیتوں کا دن بھی منایا جا رہا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. قومی پرچم کے انتخاب کی تاریخ پر کس طرح سے قومی پرچم جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اقلیتوں کی بھی, اور کیا ہم اس پورے پیرامیٹرز کے اوپر آج کے دور میں پورا اترتے ہیں یا نہیں, ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں رخ کروں گی کراچی کا, جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈرامہ نگار ہیں, رائٹر ہیں, شاعر ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اصغر ندیم سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم اصغر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر جوائن ان کرنے کے لیے. آج کے دن کی تاریخ اور اہمیت بہت زیادہ ہے, خاص طور پر مائنورٹیز کے حوالے سے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم کی جو سپیچ آپ نے شروع میں سنا دی ہے اس نے بہت ساری باتوں کو واضح کیا, اور یہ طے شدہ بات تھی کہ جب یہ قومی پرچم ڈیزائن کیا گیا تو اس میں جو سفید رنگ ہے وہ ان مائنورٹیز کے حوالے سے تھا کہ جو پاکستان کا حصہ ہیں, اور قائد اعظم نے ان کو بھی انہی حقوق کو انشور کیا جو سب کے حقوق ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دوران پاکستان کی ترقی میں جو اقلیتوں نے کردار ادا کیا وہ بہت اہم ہے, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ سپورٹس کا شعبہ ہو, چاہے وہ فلاح عامہ کا شعبہ ہو, چاہے وہ کوئی اور شعبہ ہو, انڈسٹری کا شعبہ ہو, ہر جگہ مختلف طریقوں سے اقلیتوں نے اپنا کردار ادا کیا, اور انہوں نے پاکستان کی وہ خدمت کی جو کوئی بھی پاکستانی کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح پیغام تھا, اور آج جیسے آپ نے کہا کہ اقلیتوں کا دن بھی ہے تو میں تو خیر سب کو پاکستانی کہتا ہوں, جیسا کہ قائد اعظم نے کہا تو ہم سب پاکستانی ہیں, اور اس پوائنٹ آف ویو سے ہم سب کا حق ہے پاکستان پر, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اپنی حیثیت میں جہاں بھی ہیں ہم پاکستان کے لیے کام کریں. تو یہ بڑا بہت اچھا کیا آپ نے کہ قائد اعظم کی سپیچ سنا دیا. سر اس کی امپورٹنس بھی تو ہے, اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹنس اور بھی بڑھ جاتی ہے, لیکن جھنڈے میں ان کا رنگ ہونا, ان کا حصہ ہونا, یہ ایک بہت بڑا سمبل ہے اب جو رہتی دنیا تک, جب انشاءاللہ تک پاکستان قائم و دائم رہے گا, یہ ایک میسج جو ہے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی بھی اسپریڈ آؤٹ کرتا ہے کہ اقلیتی جو درج طبقہ ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا اکثریت رکھنے والے طبقے کا حق ہے پاکستان کے اوپر. یقیناً یہ حسن ہے پاکستان کا, یہ جو ڈائیورسٹی ہے جی, یہ جو ایک طرح سے مختلف کلچرز ہیں ہمارے, اس طرح مختلف سرزمینیں ہیں ہمارے پاس, تو یہ ہماری طاقت ہے, یہ ہماری طاقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے ہی یہ بات واضح تھی جی, کہ ہم سب مل کر اس مملکت کو شعبے میں بھی سب میں ہمارا برابر کا حصہ ہوگا. اور آپ نے نوٹ کیا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پرچم کا جو طاقت ہے وہ اس وقت پتہ چلتی ہے جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں, بالکل تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شناخت کیا ہے اور آپ کا تشخص کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی پرچم علامت ہے ہمارے تشخص کی بھی, اور ہماری انڈیویجویلٹی کی بھی, اور ہماری ڈائیورسٹی کی. بالکل. تو یہ ساری طاقتیں ہیں جو پاکستان کو حاصل رہی ہیں, اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شعبہ دیکھ لیں اٹھا کے, اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ سب پاکستانی ہیں, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ فلاح عامہ کے ادارے ہوں, سب جگہ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ آئین میں وہ حقوق طے شدہ ہے, تو یہ بڑی اہم بات ہے.
बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है और बड़ी ज़बरदस्त आपने ये बात की असगर नदीम सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज यू हैव कन्वेड दीज लाइन्स की हमारी अकलियतें जहाँ जहाँ भी काम कर रही हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र तो हैं ही, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी में जो रोल प्ले कर रही हैं वो बटन्स रखता है। इसी पर हम बात करेंगे, हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर हैदर अली जैदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने के लिए। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइएगा कि उस दौर में 1947 में क्यों ज़रूरत पेश आई थी कायदे आज़म को ये स्पीच करने की और फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ये स्पीच असल में अगर हम देखें कायदे आज़म की पूरी लाइफ, तो कायदे आज़म ने अपनी जो ज़िंदगी स्टार्ट की है, मतलब जो पॉलिटिकल कैरियर उनका स्टार्ट हुआ है, वो माइनॉरिटी के, मुस्लिम मिनॉरिटी के हवाले से वक्फविल बॉम्बे में ये लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो इन्होंने जीता था, लेजिस्लेटिव असम्बली का, काउंसिल का, उसमें फिर इन्होंने एक्चुअली मिनॉरिटीज़ ही के हक से शुरू, कायदे आज़म शुरू ही से मिनॉरिटीज़ के हवाले से उनकी जद्दोजहद जो स्टार्ट हुई है पॉलिटिकल स्ट्रगल, उनकी मिनॉरिटीज़ के हवाले से जी। तो कायदे आज़म समझते थे कि वी वर माइनॉरिटीज इन सब, जी हाँ, जब यूनाइटेड इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया में, जी हाँ, जब मुस्लिम मिनॉरिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मुस्लिम मिनॉरिटी ही के बारे में सोचते थे, बल्कि अगर आप देखें तो पहले लॉ मिनिस्टर जो थे जोगिंदर नाथ मंडल, वो शेड्यूल्ड कास्ट के थे, निचली, जिसको हिंदू में सबसे निचली कास्ट कहते हैं, उन्होंने पहला लॉ मिनिस्टर उनको बनाया अपना। और आपको पता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, वो लॉ मिनिस्टर में ने तो उसका आम हिस्सा होना था, बड़ा अहम हिस्सा होना था। तो ये कायदे आज़म पहले ही से कॉन्शियस थे इस बारे में कि जो भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें ऑफकोर्स मिनॉरिटीज़ की बड़ी उसको उसमें मिनॉरिटीज़ के राइट्स को तस्लीम किया जाएगा और उनको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, उनको रिप्रेजेंटेशन दी भी जाएगी और उनको जाहिर है उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि वो न्यू स्टेट में आए हैं, तो जाहिर है ये आपने 11 अगस्त की जो उनकी स्पीच सुनाई, ये बड़ी मशहूर स्पीच है और जाहिर है ये विजन है कायदे आज़म का, जो अफसोस के बाद में ट्रांसलेट ना हो सका रियलिटी में। और यहाँ फिर उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है कि जोगिंदर नाथ मंडल जो थे, जिनको कायदे आज़म बड़ी उससे लाए थे, बड़ी मेहनत से लाए थे अपने साथ, वो छोड़ के चले गए। ये उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी, वो समझे कि मिनॉरिटी सिक्योर नहीं है, या जो भी पाकिस्तान में प्रोसेस चल रहा है पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, वो मिनॉरिटीज़ को उनके हक नहीं देने वाला, तो वो जोगिंदर नाथ मंडल चले। बिल्कुल सही, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी तो देखिए कि दुनिया में जब कंपेयर किया जाता है, आप छोड़ दीजिए बाकी चीज़ों को, आप भारत के साथ ही अगर पाकिस्तान को कंपेयर कर लें तो भारत तो बहुत नारा बुलंद करता है सेकुलर होने का, बहुत लिबरल होने का, लेकिन मुंह पर तमाशा खुद ही मार लेता है जब उसके अंदरूनी हालात ऐसे होते हैं वहाँ पर मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ। अभी रिसेंटली खासतौर पर मोदी सरकार में जो हो रहा है वहाँ पर, वो तो हम सबके सामने है। पाकिस्तान में अकलियतों को तमाम राइट्स भी हासिल हैं, आज़ादी जो हम लोग महसूस करते हैं वो हमारी अकलियती बरादरी भी महसूस करती है, तो वो एक इम्पैक्ट ओवर द ईयर विद द पैसेज ऑफ टाइम नज़र तो आ रहा है यहाँ पर पाकिस्तान। जी जी, ये आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर है अकलियतों, लेकिन इसके हम तो ज़ाहिर है, मैं मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, के अकलियत हकूक के बारे में हम तो ज़ाहिर है बींग मुस्लिम हम तो कहेंगे कि हमने उनको पूरे हकूक दिए, लेकिन सही आप अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी बात करें तो इसका सही जो आंसर देंगी वो अकलियतें खुद देंगी कि हमें वाकई हम इतनी फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, वाकई हम इतनी लिबर्टीज इंजॉय कर रहे हैं जो वाकई हमें कायदे आज़म ने जो प्रॉमिस की थी अपने हमें हमसे, तो वाकई इसका जवाब तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में मेरा ख्याल है वो दे सकते हैं। जी हाँ, मेरी ऑब्जर्वेशन तो जाहिर है, मैं तो ये कहूँगा कि अभी हमें बहुत सफ़र तय करना है अकलियतों को, डेफिनेटली अभी हमने मतलब अभी हमने उनके साथ थोड़ा सा छूत छात का रवैया है वो हमें अपने अंदर से खत्म करना, ये तो सर सोसाइटी के बिहेवियर्स हैं जिसमें हमें डेफिनेटली मैच्योर होने की भी जरूरत है, अपने एथिक्स को भी बेहतर करने की जरूरत है, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम तरबियत से ही आ सकता है, कोई सिस्टम आपको बाउंड नहीं कर सकता कि आप अपना रवैया बेहतर करें। इन द एंड इस दिन की मुनासिबत से आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? अच्छा, एक इसका दिन तो जाहिर है आप जैसे आपने स्पीच कायदे आज़म की मशहूर स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, हिंदू मुस्लिम विल सीज़ टू बी मुस्लिम, हिंदू विल सीज़ टू बी, ये तो उनकी स्पीच है। इसका मैसेज तो यही है सबसे बड़ा कि हम सबको बहुत क्लोजली इस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कास्ट, रिलीजन, हम सबको आपस में यूनाइट होना चाहिए और पाकिस्तान को
पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि जब तक हम अपने रवैये बेहतर नहीं करेंगे, हम कायदे आजम के उस फरमान की तकमील नहीं कर सकते। ये वो मैसेज है जो हर इंडिविजुअल के लिए है। एनीवेज जी, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आएंगे। नाज़रीन, हमेशा जब भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, जहानत की कमी नहीं है, तो वो बात बहुत सच साबित हो जाती है जब हम ऐसे लोगों को मिलते हैं, जानते हैं। एक ऐसे ही स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो मुझे आज ज्वाइन करेंगे, जिनको इंट्रोड्यूस कराते हुए मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि लम से ग्रेजुएट ये तालिब इल्म साद मीर, जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने जीआरई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और जीआरई एग्जाम्स में उन्होंने 339 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 340। कौन करता है ऐसे, कौन इतना पढ़ता है, कौन इतना ज़हीन होता है, ये सवाल सबसे पहले मेरे ज़हन में आए। तो उनसे हम तारुफ कराएंगे आपका और मुलाकात भी कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम साथ जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन चैनल 24। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन सर। आपको मैं सर इसलिए कह रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप काफी ज़हीन हैं और उसका प्रूफ जो है वो हमें मार्क्स की सूरत में नजर भी आ रहा है। जीआरई लोग कई कई दफा अटेम्प्ट करते हैं सिर्फ क्लियर करने के लिए, और आपने तो तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। क्या पता था आपको कि आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, इतने मार्क्स ले लेने हैं? जी जी, ये है कि आपको पता था कि आपने इतने मार्क्स ले लेने हैं? जी जी जी, ये अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा। अब मैं ऐसे ही बोलूं कि मैं एम ये कर रहा था कि 330, क्योंकि 320 प्लस आउट ऑफ 340 आ जाए तो कहते हैं मैजिकल फिगर है। हाँ। तो यू आर सेफ टू गेट इनटू एन आईवी लीग प्रोवाइडेड आपके बाकी भी प्रोफाइल अच्छी। तो मैं एम 320 का कर रहा था, बट अब ये अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह की देन थी कि मेरा 339 आ गया। और मतलब मैं बहुत, मतलब जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, दिस वाज समथिंग जो मैं ना इसकी ड्रीम कर सकता था। दुआ भी मैंने की कि अच्छा स्कोर आ जाए, ये नहीं कि 339 आ जाए, लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे जितना नवाजा है वो मुझे लगता है मेरी अम्मी और मेरे अब्बू की दुआओं की वजह से, और ये कि मैंने जिंदगी में लोगों को जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश की है विदाउट एनी पर्सन। और उसका सिला जो है वो डेफिनेटली आपको मिला भी है और ओवर द इयर्स मिलता आया है। लम्स के टेन्योर में भी आप टॉप स्टूडेंट रहे हैं, डीन के एजाजी स्टूडेंट भी रहे हैं, तो ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। तो ये क्या स्ट्रगल शुरू से ही, बचपन से ही शुरू हो जाती है, या विद द पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज व्हेन यू सेट योर गोल्स? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बचपन में तो मुश्किल होता है, क्योंकि बंदा थोड़ा इमैच्योर होता है, बंदे को ये होता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा, जब सर पे पड़ती है तब आप करते हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि वंस यू सेट योर गोल्स, जब आप अलाइन करते हो अपनी लाइफ के साथ, तब आप उन गोल्स के पीछे भागना शुरू करते हो। एंड द फैक्ट कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा गोल सिर्फ ये नहीं था कि मैं ज्यादा मतलब अचीव करूँ इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, I was also the best sportsman of Lums throughout my 4 years. So, एक ही बच्चे को बैच में मिलता है ये ऑनर, और अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ पूरी आवाम को जो देख रही है कि प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ना करें, मेंटेन अ बैलेंस, स्पोर्ट्स नहीं तो ड्रामा में जाएं, ड्रामा नहीं तो डिबेटिंग में जाएं, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है कि एक चीज पे इतना ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए। इसका मतलब साद, आप वो जो एक डेफिनेशन होती है ना नर्ड स्टूडेंट की या पढ़ाकू बच्चे की, आप वो कभी नहीं थे? जी, मैं मुझे हमेशा ये होता था कि जब भी अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई अचीवमेंट आती थी तो लोग ये नहीं कहते थे हाँ इसका तो आना ही था, ये तो पढ़ता रहता है। अच्छा, ये चीज मुझे सबसे अच्छी इंस्पायर करती थी और मोटिवेट करती थी कि हाँ पीपल डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड कि ये तो किताबी कीड़ा है, वो मैं कभी भी नहीं चाहता था। और मैं यही ट्रेंड चेंज करने आऊंगा और मैं यही ट्रेंड अपने चैनल के थ्रू भी चेंज करूंगा। एट टाइम प्रोग्रेस इंशाल्लाह, ये रट्टा मेंटालिटी और इंशाल्लाह ये सिर्फ किताबी मेंटालिटी, ये मैंने चेंज। अच्छा साथ, अब ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए जीआरई क्लियर करना।
आपने तो खैर टॉप कर लिया माशाल्लाह से, बट क्यों लोग क्लियर नहीं कर पाते इस पूरी ऑब्जर्वेशन? जाहिर है ऑब्जर्वेशन तो होती है जब आप एक चीज अटेम्प्ट करते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है। आप क्या समझते हैं लोग कहाँ कमी छोड़ देते हैं, कहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम लोग ये एग्जाम्स बहुत सवार कर लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाते या कम मार्क्स आते हैं? ये ऑन एवरेज पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 297 है, और मैं ये कहता हूँ कि ये एवरेज इसलिए कम है, ये नहीं कि हमें टैलेंट नहीं है या हमें आ रहे दिमाग नहीं, हम सबसे आगे। आप हर चीज देख ले, व्हेन एवरीवन राइट्स अस ऑफ, फॉर एग्जांपल द पाकिस्तान क्रिकेट